सबकी है, सबकी। इस पे तो फक नहीं जाता, अंदर जाम में ज़्यादा अटक जाता हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है, दिक्कत होती है। मॉनसून में जो स्काई दिखती है ना, गजब लगता है, वो फुल ऑफ स्नो, पूरे आकाश में स्नो है। ये वही है जो व्यू मिरर में दिख रही है आपको, वही है जो वहां से हॉर्न मारते वाले। उसकी हॉर्न सुनने से अच्छा है कि थोड़ी सी एक्सीलेटर एक सीट कर। ये देखो ये रिक्शा वाले भैया, शाबाश जी, साइकिल चला रहे हो, फोन से बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ये देखो हेलमेट रखे हैं, किसी को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, लिफ्ट देंगे, वो फ्लो में निकल गया। इस टाइम में अपनी सब चलेगी तो क्या बोलोगे, किसको इसकी क्रेडिट किसको दोगे बताओ? क्या इनके पास मतलब पटना नगर निगम से गाइडलाइन आती है कि आप 9 बजे साफ सफाई, मिट्टी काटनी है या जो भी करना है वो उस टाइम करेंगे? कौन इंस्ट्रक्शन देता है इनको कि ऑफिस टाइम में? अगर आप शाम में आते हैं मतलब 5-6 बजे तो आइए इस रोड से, लेकिन हाँ एक चीज़ प्रिपेयर रहिए, अगर आपको 1 घंटे बाद पहुंचना है तो 1 घंटे का मार्जिन लेके चलिए, कब कितना जाम हो जाएगा ये बताना मुश्किल है इस रोड पर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा पटना घूमाता हूँ लेकिन 1 घंटा इधर आके अटक जाता हूँ। इन लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं शायद, अपना शादी ब्याह वाला जो कैटरिंग जो होता है, कैटरिंग सर्विसेज वो देख रहे हैं। गौ माता नमस्कार, आशीर्वाद बना रखिए। हिंदू में गौ माता एकदम बहुत ही महान माना जाता है। हमारे श्री माननीय लालू प्रसाद जी काफ़ी गौ सेवा की, फिर से अभी योगीनाथ जी जो यूपी में पूरा एकदम सबके चहेते बने हुए, वो भी काफ़ी करते हैं। हम आपको भी करना चाहिए, अभी भी बहुत सारे क्या घर घर में लोग हैं जो सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाते हैं, काफ़ी अच्छा माना जाता है, बरक्कत होती है उससे। देखो पूरी रोड खाली, लेकिन हॉर्न मार रहे थे मेरे पीछे, ओवरटेक करेंगे मेरे को। यस अपाचे, लेकिन अपाचे जो पहले वाली थी और अब की जो अपाचे है, मेरे पास 160 थी जो चोरी हो गई। ग्रीनरी भी इतनी अच्छी लगी ना कि मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया। ये देखो ग्रीनरी, और ये बरसात का वेदर है, रेनी सीजन, तो वो देखो बड़ा खूबसूरत लग रहा है।
एकदम रेड शूज़ की, एक नया चप्पल स्लीपर लिया बाटा से, और वो भी मेरे को दिखा रहा था 500-700 वाली स्लीपर। मैंने बोला एक नॉर्मल दिखाओ, बोला भैया ये ठीक है सूट करेगी आपको। हम बोले अरे यार स्लीपर क्या सूट करती। ये देखो आज की वेदर, नो डाउट वेदर तो फंटास्टिक वेदर है, राइड पे जाने वाली है। शौक सुखा रहा हूँ, मेरी शौक सुख रही। अरवल में और ये देखिए पुल, ये पुल और ये नदी। और 7,000 रुपए का जूता जो है वुडलैंड की बारिश की वजह से मार्केट में मौजूद, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ऐसे दर्द वालों से गुजारिश। आज आया हुआ हूँ अरवल, बिहार में अरवल। हाल मेरी कुछ ऐसी हो गई, ये देखो मेरी बुलेट, ये मेरी शूज़ वुडलैंड की शूज़ भींगे पड़े, शॉक्स यहाँ पड़े, और टी शर्ट देखो कहाँ पड़ी। ये मेरी टी शर्ट सूख रही है, ये हाल है। और ये ग्रीनरी देखो, सामने उस ट्रक वाले भैया से बोला है कि थोड़ा देर बैठने दीजिए, थोड़ा कपड़ा सुखा लूँगा मैं, तो बोले ठीक है बैठ जाना।